लखनऊ से। हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मियों को एक और मौका दिया गया है। कर्मचारियों को काम पर लौटने का आज तक का वक्त दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 22,000 में से 18,000 कर्मचारी काम पर लौटे हैं, बाकी के बचे 4,000 कर्मचारियों को कंपनी एक मौका और देना चाहती है। आपको बता दें कि वापस काम पर न लौटने पर नई भर्तियों का विज्ञापन भी कंपनी जारी करेगी, ऐसा कंपनी की ओर से कहा गया था, लेकिन अब एक और मौका उन कर्मचारियों को देना चाहती है कंपनी जो कि अभी काम पर नहीं लौटे हैं। 22,000 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर थे, जिनमें से 18,000 वापस आ गए हैं, बाकी के बचे 4,000 कर्मचारियों को भी अब एक आखिरी मौका दिया गया है। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, पहले यह था कि फौरन विज्ञापन निकाला जाएगा, नई भर्तियां कर दी जाएंगी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक और मौका आप कंपनी दे रही है? देखिए, साफ तौर पर कहना है कंपनी का कि 22,000 में से 18,000 हमारे जो कर्मचारी हैं, जो चालक हैं, वो वापस आ गए, लेकिन आज से उन्होंने कहा है कि वो भर्ती भी शुरू करेंगे और खासतौर से जो लखनऊ में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर भर्ती शुरू होगी, वहाँ पर उनका टेस्ट लिया जाएगा उनसे, उसके बाद उनकी भर्ती की जाएगी। तो एक मौका भी ज़रूर उन्होंने कहा कि अगर आज भी आप आ जाते हैं, पहले कहा था कि अगर आप 31 तक आते हैं तो हम आपको रख लेंगे, ठीक, फिर उसका एक दिन की और मियाद बढ़ा दी, लेकिन अपना प्रोसेस भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और अगर हम हड़ताल की बात करें तो 50 जिले ऐसे थे जहाँ पर उनका कहना है कंपनी का कि सारे लोग आ चुके हैं, सिर्फ 25 जिलों में कुछ कर्मचारी नहीं आ रहे थे। और इसके बाद शासन ने देखिए कठोर रुख अपनाया था, उन्होंने कहा था कि अगर ड्राइवर नहीं आते हैं DM वहाँ पर एम्बुलेंस चलाएं। इसी राजधानी लखनऊ में तकरीबन 50 से 55 एम्बुलेंस जो है वो जिला प्रशासन चलवा रहा था, और कंपनी को साफ तौर पर कह दिया था कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए उन्होंने आनंद फानंद में कहा कि हम विज्ञापन निकालेंगे, हम लोगों की भर्ती भी करेंगे, पर अगर हमारे कर्मचारी आते हैं तो हम उनको एक मौका और देंगे। ज़्यादातर कर्मचारी वापस आ गए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ लोगों का भी ये जो अगर हम कहें लखनऊ में जो इको गार्डन है जहाँ पर धरना होता है वहाँ पर वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर ज़िलों से यही रिपोर्ट है कि वहाँ पर धरना खत्म हो गया है, वहाँ पर सभी लोग काम पर लौट आए हैं, पर अगर जो नहीं आ रहे, मान लीजिए अगर 4,000 का स्टाफ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने आज से अपने एक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिजर्व पुलिस लाइन में होगा, वहाँ पर कंपनी के भी लोग होंगे और भी अन्य लोग होंगे, वो पूरा उनका ट्रायल कराएंगे, गाड़ियाँ चलवाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से मदद की जाती है, एम्बुलेंस के कर्मी को क्या क्या बातें जाननी चाहिए, उन सारी चीज़ों के आधार पर वो उनको नियुक्ति दे देंगे। पर साफ तौर पर ये भी कहा है कि अगर आप कल तक नहीं आए, अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको भी मौका देंगे। यानी कोशिश यही है कि जो दिक्कतें थी, जो सेवाएं चरमरा गई थी अगर हम कहें एम्बुलेंस नहीं चलने से, उसको बेहतर किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय लंबे समय से काम करे, जो एम्बुलेंस चालक लंबे समय से एम्बुलेंस को चला रहे हैं, उन्हें भी एक मौका देने की कोशिश में कंपनी इस वक्त जुटी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए कंपनी ने तय किया है कि एक आखिरी मौका उन कर्मचारियों को दिया जाए जो अभी काम पर नहीं लौटे हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहेंगे अनुभव हमारे साथ, आगे भी हम आपके पास लौटेंगे कुछ और खबरों पर अपडेट्स के लिए। तो कर्मचारियों को काम पर लौटने का आज तक का वक्त एक बार फिर से कंपनी ने दे दिया है। 22,000 में से 18,000 कर्मी लौट चुके हैं, 4,000 अभी बाकी हैं जो कि काम पर नहीं आए हैं। अब उनको एक और आखिरी मौका कंपनी की तरफ से दिया गया है कि वो आज का दिन और लें और काम पर वापस लौट आएं, वरना नई भर्तियां कर ली जाएंगी। उधर विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को एक और झटका लगा है। आजमगढ़ के दीदारगंज से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के बेटे सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं सुखदेव राजभर ने भी बसपा के अभियान पर सवाल खड़े किए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है। सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव की नीतियों की भी तारीफ की। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बसपा के लिए करारा झटका है, जिसके ज्यादातर नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के अभियान पर सुखदेव राजभर ने अब सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव की नीतियों की तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बसपा नेता सुखदेव राजभर के बेटे सपा में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे कमलकांत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है।